स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमारी रोडों का बादशाह, जिसको बोला जाता है स्कूटर सेगमेंट का किंग, जो कि अपने दम पे ही पूरी मार्केट पर राज करता है, होंडा एक्टिवा 6G, जो कि BS6 के साथ अब आ चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके प्राइसेस की, जो कि BS6 में आने के बाद थोड़े बहुत बढ़ाए गए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि एक्टिवा में बढ़ाई गई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसने इसका बिल्कुल और भी ज़्यादा राइडिंग में, चलाने में, स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो पहले इसका आपको प्राइस बता देता हूँ। इसका एक शोरूम प्राइस है 72,500 रुपये, और ये ऑन रोड प्राइस नहीं है। ऑन रोड प्राइस लगभग इसका 85-90 इस रेंज में जाएगा, वो आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ और फिर मैं आपके इसको फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सामने से कुछ ऐसा लुक आता है। डिज़ाइन एलिमेंट में होंडा ने इसमें काफ़ी चेंज किए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। ये जो बीच का हमें साइज़ दिया गया है, इसको भी इंक्रीज़ किया गया है। जो इसके अंदर हमें डिग्गी दी गई है, उसको भी इम्प्रूव किया गया है। ये जो पीछे का हिस्सा है, इसको भी थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड किया गया है, तो ये देखने में काफ़ी अपीलिंग लुक देता है। और इसको डुअल टोन कलर स्कीम में डाला गया है, वाइट और ब्लैक में। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके फ्रंट से चालू करते हैं। तो आप फ्रंट से इसका एक पूरा लुक देख सकते हैं, ये इस तरह से दिखता है। अब सबसे ऊपर आए तो यहाँ पर हमें पहला जो चेंज है, हमें इसमें दे दी गई है LED लाइट्स, जो कि रिफ्लेक्टर बेस है, जो कि अगर आप इसमें देखना चाहें तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वे ऊपर की तरफ दी गई हैं। और ये LED बेस रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, जो कि ये दो चीज़ हमारी लो बीम में काम आती है और ये हमारी हाई बीम के लिए काम आती है। वहीं पर लुक एनहेंस करने के लिए इसके अंदर ही, हेडलाइट के अंदर ही हमें ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। वही इसी के साथ हमें ये बोथ साइड इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि ये हमें बल्ब में ही प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर इसकी नंबर प्लेट के लिए लाइसेंस प्लेट जो आपकी लगेगी उसके लिए जगह दी गई है। और इसके फेंडर पर हमें ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पर इसके हॉर्न लगाए जाते हैं और इनके ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि इसकी लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करता है। वहीं ज़्यादातर इसमें फाइबर बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप ऊपर इसका वाइज़र देखें तो ये भी फाइबर है, ये सामने का देखें ये भी फाइबर है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, इसका जो मड गार्ड है, और जिसे हम बोनेट भी बोल सकते हैं, वो हमें यहाँ पर मेटल में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर कहीं पे भी, भगवान ना करे, अगर ये भिड़ जाए या लग जाए, तो आपको पूरा पैनल चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये तभी ठीक हो जाता है। ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ होंडा ने दी है। तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट टायर से। और जो मैं आपको सबसे बड़ा चेंज आपको बता रहा था, वो किया गया है इसके सस्पेंशन में, फ्रंट सस्पेंशन में। ये हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अब इसमें दे दिया गया है। पहले एक्टिवा में दूसरे तरीके का सस्पेंशन आता था, जो कि ख़राब रोड में इतना कंफर्टेबल नहीं था, और जैसे ही हम सडन ब्रेकिंग करते थे तो वो आगे से एकदम ट्रैक्शन लूज़ कर देता था, आगे से पहिया उठ जाता था और हमारी स्कूटी, या फिर जिसे भी हम टू व्हीलर, स्कूटर, स्कूटरी जो बोलते हैं, वो स्किड होती थी और ड्राइवर को काफ़ी इंजरी आती थी। तो अब ये उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगी, और इसमें वेट होने के कारण अब ये बहुत ज़्यादा स्किड भी नहीं होगी। इसमें 12 इंच का रिम आता है, जो कि हमें सिल्वर में दिया गया है, और ये हमें ड्रम ब्रेक के साथ मिलती है। इसमें भी CBS का यूज़ किया गया है, होंडा जो इसे बोलता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और वहीं पे हम इसके टायर साइज़ की बात करें, तो इसमें टायर साइज़ दिया गया है 90x90 12 का, तो आप देख सकते हैं। और ये ट्यूबलेस टायर है, जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है। यहीं मड फ्लैप
बम्पर के नीचे हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, बोथ साइड हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जिससे कि नाइट में दूसरे व्हीकल को इजीली पता लग सके कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। अब हम इसके साइड में आते हैं तो ये हमें फुटरेस्ट दिया गया है, जो कि 5G के बाद और भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। इसमें हमें और भी ज़्यादा स्पेस मिलती है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है हमें इसके अंदर कोई बीच में बम्प नहीं मिलता, तो इसकी वजह से हम इसमें अपना सामान कोई भी कैरी करना हो वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। वहीं पे हम इसके थोड़ा और पीछे आते हैं तो ये है इसके पीछे के फेंडर्स, जिसके ऊपर हमें एक्टिवा की 3D में बैजिंग मिलती है, और वहीं पे जो 6G की बैजिंग है ये हमें स्टिकर के थ्रू दिखाई गई है, और ये क्रोम फिनिश में है, जो कि एक इसको काफ़ी अच्छी अपीलिंग लुक दे रहा है। यहीं पे अब हम नीचे की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि हमें 110cc का 2-valve सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि फ़ैन कूलिंग के साथ है। अब इसमें फ़ैन कूलिंग हमें इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि आगे इंजन इसमें है नहीं, पीछे इंजन है। नॉर्मल बाइक होती हैं वो एयर कूल होती है, क्योंकि उनके इंजन को डायरेक्ट सामने से हवा लगती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता, आप देख सकते हैं। तो इसके इंजन को फ़ैन के थ्रू कूलिंग किया जाता है, जो कि इसके अंदर वहाँ इसके पीछे लगा हुआ है। यहीं पे हमें इसमें ESP की भी बैजिंग दी गई है, जो कि होंडा की स्मार्ट साइलेंट टेक्नोलॉजी है, जो कि बिना आवाज़ वो किर किर खिट खिट के बिल्कुल साइलेंटली हमारी स्कूटरी या बाइक को स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं इस इंजन के द्वारा दी गई पावर की, तो इसमें पावर हमें दी गई है 7.68 BHP की, और ये हमें टॉर्क प्रोवाइड करता है 8.84 न्यूटन मीटर का। BS6 होने के बाद इसकी पावर में थोड़ा सा घाटा आया है, थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वो आपको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन BS6 होने के बाद पहले ये काफ़ी स्मूथ, काफ़ी कंफर्टेबल थी, अभी इसका इंजन और भी ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी मूविंग चीज़ के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट ये इंजन चलता है। यहीं पे हमें किक भी प्रोवाइड की गई है, वैसे तो ये मेन चीज़ सेल्फ में स्टार्ट होती है, लेकिन कभी कभार अगर बैटरी डाउन हो जाए तो आप किक का यूज़ करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। BS6 होने के साथ ही इसके अंदर FI सिस्टम आ गया है, जिसकी वजह से इसकी माइलेज भी बढ़ गई है, और ये हमें 45 से 50 तक की माइलेज अब इजीली निकाल के दे सकती है। अब इसमें स्कूटी में हमें कहीं भी कोई गियर सिस्टम नहीं दिखता कि कहां से हम गियर चेंज करें, तो ये इंजन चलता कैसे है? तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हमें गियर नहीं दिए जाते, इसमें गियर होते हैं, लेकिन इसमें CVT दिया जाता है, जो कि गियर ऑटोमेटिक इंजन के अंदर ही लगते हैं। इसी की वजह से, ऑटोमेटिक लगने की वजह से ही इसका थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होता है, और ये इंजन हमें 85 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड प्रोवाइड कर सकता है, जो कि एक स्कूटर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो अब आप देख सकते हैं इसका पीछे से लुक, जो कि थोड़ा सा चेंज किया गया है, और पीछे से इसकी टेल लाइट भी हमें बल्ब में ही मिलती है, और दोनों इंडिकेटर भी बल्ब में ही दिए जाते हैं, लेकिन टेल लाइट को थोड़ा थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि पीछे से देखने पे एक बार ये बाइक हँसती हुई सी लगती है, जैसे स्माइली फेस दिया गया है, जो कि इस बाइक को, टू व्हीलर को, स्कूटरी को काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। और ये पीछे छोटा सा मड फ्लैप दिया गया है, ये भी होंडा का, बाकी हर चीज़ ग्लोसी में होती है, लेकिन होंडा अपने मड फ्लैप को हमें देता है और ये टेक्सचर में हमें प्रोवाइड कराता है। और यहीं साइड में हमें इसका दिया गया है एग्जॉस्ट, जो कि देखने में काफ़ी मोटा सा दिखता है और छोटा सा है, लेकिन ये हमें बिल्कुल साइलेंटली कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं प्रोवाइड करता और बिल्कुल स्मूथ चलता है। वहीं पे थोड़ा और आगे आए तो इस कवर के नीचे हमें दिया गया कैटलेटिक कन्वर्टर, क्योंकि ये BS6 कंप्लाइंट बाइक है, तो इसलिए इसमें हमें कैटलेटिक कन्वर्टर मिलता है, जो कि पोल्यूशन बहुत कम करता है। और यहाँ आपको दिखेगी फैन की जाली, यहाँ से ये हवा खींचता है और हमारे इंजन को ठंडा करता है, और ये हमें नोज़ल दी गई है, जिससे
हम इजीली अपने इंजन के इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे वाले टायर की। तो कंपनी ने हमें यहाँ पे 10 इंच का स्टील रिम प्रोवाइड किया है। जैसे कि आपने देखा था फ्रंट में 12 इंच था, लेकिन कंपनी ने पीछे हमें 10 इंच का दिया गया है। और टायर साइज़ आप देख सकते हैं, तो ये रहा 90x90x10 का। तो यहाँ पे स्कूटी में इतनी जगह नहीं होती, क्योंकि इसका इंजन पीछे होता है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और इसकी वजह से हमें छोटा साइज़ का टायर मिलता है। लेकिन टायर की ग्रिप काफ़ी अच्छी दी गई है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी और काफ़ी पकड़ के रोड को चलने वाली है। और इस साइड हम बात करें तो ये हमें बैक पिलियन के लिए फुटरेस्ट दिया गया है, जो कि मुड़ने के बाद बिल्कुल बाइक के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाता है, ना अलग से दिखता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होंडा ने दी है, जो कि इसके ओवरऑल लुक को ख़राब नहीं करता। अब हम बात करते हैं अपनी एक्टिवा की सीट की, जो कि हमें काफ़ी लंबी सीट दी गई है और बहुत ही ज़्यादा वाइड सीट दी गई है, जिसके ऊपर कितना भी हैवी से हैवी इंसान बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकता है, फ्रंट भी और पेलियन भी। और वहीं पे हमें सिल्वर कलर का ये ग्रैब हैंडल दिया गया है मेटल के अंदर, जो कि काफ़ी स्टर्डी है, जो कि पीछे वाले पेलियन को पकड़ के बैठने में बहुत आरामदायक है और काफ़ी हेल्प करेगा। अब मैं आपको इसके डिग्गी और आपको इसका फ्यूल फिलर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ये हैं इसकी कीज़, जो आप देख सकते हो होंडा की इन पर बैजिंग है, और मैं आपको जल्दी से उन्हें दिखा देता हूँ। तो ये पहले आप इसे ही देख लें। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया है, ये है ऑफ, और पुश दबा के यहाँ से हो जाता है हमारी स्कूटरी लॉक। ये ऑफ, और ये दो बार आवाज आएगी तो ये हो गया ऑन इग्निशन में। और जैसे ही हम बीच में करते हैं, तो अब ये फ्यूल और सीट के ऊपर आ चुका है और यहाँ में दी गई है। तो हम नीचे अगर दबाते हैं तो ये सीट ओपन हो जाती है, और ऊपर करते हैं तो फ्यूल की लिड। तो हमारी दोनों अब ओपन हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसकी फ्यूल लिड दिखा देता हूँ। तो यहाँ इसकी फ्यूल लिड ये इस तरह से ओपन होता है, और ये हमें ऐसे घुमाने पे ओपन हो जाएगा। और ये हमें दिए गए हैं 5.3 लीटर का, और इसको दबा दो तो बंद हो जाए। तो 5.3 लीटर का हमें इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है। और अब बात करते हैं हम इसकी सीट की। तो हमने ओपन कर ली, तो इसको ऐसे हम उठा देते हैं, तो ऐसे इसकी सीट ओपन हो जाती है। ये इसका लॉक का ग्रैब है। और वहीं पर अब हम नीचे देखते हैं, तो ये इसमें इसकी डिग्गी दी गई है, जिसके अंदर एक छोटा सा ये हम्प भी हमें मिलता है, और यहाँ पर एक ये पॉकेट दी गई, जिसमें आप फर्स्ट एड किट या अपनी पंचर रिपेयर किट रख सकते हैं। और इसके नीचे हमें फ्यूल टैंक मिलता है इसका, और फिर हम इसको डायरेक्ट जैसे ही बंद करके और दबा देते हैं, तो ये सीट हमारी लॉक हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका हैंडल बार और सामने का कंसोल। हम अभी इस स्कूटी के ऊपर बैठ गए हैं, और सामने से आप इसका इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। तो हम लेफ्ट हैंड से बात करते हैं, तो ये हमारा ब्रेक है, जो कि पीछे वाला ब्रेक है, और इसी के अंदर क्लच इंटीग्रेट होता है। तो आप इसको दबा के स्कूटी को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें बटन दिया गया है, ये हमारा हाई बीम, ये लो बीम का बटन, और इसको ही इसमें इंटीग्रेटेड ये पास स्विच में दिया गया है। नीचे की तरफ आएँ तो ये हमें ट्रेन इंडिकेटर का बटन और ये हॉर्न का बटन हमें दिया गया है। वहीं पे हमें एक ऊपर ये छोटा सा और काफ़ी क्यूट सा रियर साइड व्यू मिरर मिलता है, जिसके अंदर हमें काफ़ी वाइड पीछे का लुक देखने को इजीली मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पीछे तक जा रहा है। वही हम इसके राइट साइड में बात करें, तो यह हमें फ्रंट ब्रेक मिलता है, और यहाँ पर हमें एक बटन दिया है, जिसमें तीन फंक्शन है। सबसे पहले इंजन किल स्विच, ये नॉर्मल, और ये सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। ये हमें बटन यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। अब हम इसके फ्रंट मीटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ होंडा की ब्रांडिंग और ये टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है। वहीं पे
इसमें सारी चीज़ हमें एनालॉग ही मिलती हैं। स्पीडोमीटर भी एनालॉग दिया गया है, ओडोमीटर भी हमें एनालॉग दिया गया है, जो फ्यूल मीटर है ये भी एनालॉग दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, एक ये और एक ये हमारे टर्न इंडिकेटर्स के लाइट हैं। और यहीं पे अगर आप देख पाएँ तो हमें हाई बीम की लाइट दी गई है, और ये इस साइड हमें FI प्रोग्राम होने के बाद इंजन मालफंक्शन की लाइट दी गई है। तो ऐसा कुछ हमें डैशबोर्ड सामने से हमारी होंडा एक्टिवा का मिलता है। और आप नीचे देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छी जगह हमें देखने को मिलती है, और जो होंडा ने ये सामने ये दो पैर रखने के लिए काफ़ी अच्छे गैप कट करके निकाले गए हैं, तो आप इजीली अपने इनमें ये पैर सूटेबल कर सकते हैं और आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर हो जाएगा, और आप इजीली बैठ के इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा बैठ के आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, और ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं इसकी सीट हाइट की, जो कि हमें 692 mm दी गई है, जो कि शॉर्ट राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है। आप 5'3" 5'2" तक का शॉर्ट राइडर भी इसको ईजिली ड्राइव कर सकता है और आराम से उसके दोनों पैर नीचे लग जाएंगे। और वैसे ही हमें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 162 mm, जो कि एक बाइक के साथ की है। तो आप जानते हैं हमारे रोडों की कंडीशन, तो उसकी वजह से आपको पहाड़ जैसे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, तो उन पर से भी ईजिली बिना टच हुए निकल जाएगी। वहीं पे अब इसके ओवरऑल वेट की बात करते हैं। वैसे दिखने में ये काफ़ी बल्की लगती है, लेकिन इसमें फाइबर का यूज़ किया ज़्यादा किया गया है इसके वेट को कम रखने के लिए। इसके अंदर सिर्फ 106 kg का वेट मिलता है, जो कि इसे काफ़ी लाइट वेट बना देता है, और ये सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी ईजी होती है, जिसमें आप ईजिली ऐसे फ्लिक करके निकल सकते हैं ट्रैफिक के बीच से। तो आपको कैसा लगा ये रोड किंग का नया अवतार? अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।